वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IAS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन करेंगे स्प्रिंग 2016 के अटेम्प्ट से। क्वेश्चन का टाइटल है क्वालिटी एंटरप्राइजेज। क्वेश्चन का डाटा है कि फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी एंटरप्राइजेज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। एंडेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन एज एट दैट डेट टूगेदर विद सम एडिशनल फॉर्मेशन। तो इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम दी हुई है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इनकम टैक्स एक्सपेंस है, और फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है। यहाँ पर सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का डाटा नहीं है जिसकी बेस पर डायरेक्ट मेथड से हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बना सकें, तो इनडायरेक्ट मेथड ही यूज करना पड़ेगा। फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन देखते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में इक्विटी के अंदर कैपिटल और अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, रिवेल्यूशन सरप्लस का आइटम है, और बैंक लोन्स भी 10% दिए हैं जो कि लॉन्ग टर्म लोन्स होंगे, हेडिंग नहीं है। करंट लाइबिलिटीज़ में टिपिकली ट्रेड एंड अदर पेबल्स, इनकम टैक्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट शो हो रहा है लास्ट ईयर में, करंट ईयर में जीरो है। एसेट साइड पर नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इन्वेस्टमेंट है, और करंट एसेट्स में जो टिपिकल आइटम होते हैं इन्वेंट्रीज, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स एंड कैश एंड बैंक के आइटम है। अब देखते हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो मूवमेंट को बता रही है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। कि ड्यूरिंग द ईयर मूवमेंट्स इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूड डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू ₹5.28 मिलियन, मशीनरी हैविंग कैरिंग अमाउंट ऑफ 2481,000 वाज सोल्ड फॉर 3440,000 और डिस्पोजल है, और डिस्पोजल में कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा पर सेल हो रहा है तो गेन आएगा। फिर फैक्ट्री बिल्डिंग वाज रिवैल्यूड फ्रॉम कैरिंग अमाउंट ऑफ 5963,000 टू 8 मिलियन, तो ये रिवैल्यूएशन गेन आ जाएगा। एन ऑफिस बिल्डिंग विच हैड प्रीवियसली बीन रिवैल्यूड वाज सोल्ड एट इट्स कैरिंग अमाउंट ऑफ ₹2.599,000। अच्छा, ये अब सोल्ड एट इट्स कैरिंग अमाउंट का मतलब है कि इस पर कोई गेन और लॉस राइज नहीं होगा। सेकेंड इन्फॉर्मेशन में द ऑनर ऑफ क्यू ई विड्रू ₹300,000 पर मंथ, द अमाउंट्स वर डेबिटेड टू अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, यानी जिस तरह डिविडेंड रिकॉर्ड किया जाता है वैसे ही ड्राइंग्स हैं यहाँ पर, उनको कर लेंगे रिकॉर्ड। ट्रेड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹200,000, तो बैड डेट्स बता दिए, और प्रोविजन फॉर बैड डेट भी बता दी कि वो है 400,000 और ओपनिंग टाइम पर थी। द इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज पेबल ऑन 30 जून एवरी ईयर, द बैंक लोन वाज रिसीव्ड ऑन 1 नवंबर, यानी हम 31 दिसंबर 2015 का डाटा बना रहे हैं, 1 नवंबर को ही रिसीव हुआ, तो 2 मंथ्स का टाइम है। इंटरेस्ट फॉर 2 मंथ्स हैज बीन अक्रूड एंड इंक्लूडेड इन ट्रेड एंड अदर पेबल्स, तो ट्रेड एंड अदर पेबल्स इसको सेपरेट तो कर लेंगे और अक्रूवल इसका क्वेश्चन में बता दिया हमें। फिर इंफॉर्मेशन है के अदर इनकम इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ ₹398,000 एज दैट 31 दिसंबर 2015, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल इंक्लूडेड इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल अमाउंटिंग टू 96,000 और लास्ट ईयर में 80,000, तो इसका मतलब है कि ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स में से इसको सेपरेट करना होगा, और उसके अलावा क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेट भी दी हुई है तो उसका इफेक्ट भी सेम एडजस्टमेंट के अंदर जाएगा, तो रिसीवेबल्स की कैलकुलेशन हमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड मिलेगी करने को, और अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी चीज़ें निस्बतन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर क्वालिटी एंटरप्राइजेस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 यूजिंग द इनडायरेक्ट मेथड, और जिस तरह का डाटा है उसमें पॉसिबल भी सिर्फ इनडायरेक्ट। तो 18 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब हम आंसर डेवलप करेंगे तो उसमें एंटिटी का नाम लिखेंगे, क्वालिटी एंटरप्राइजेस, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, और हर क्वेश्चन की तरह हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के साथ शुरू करेंगे, और पहला आइटम जो हमें इसमें चाहिए वो चाहिए कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसके लिए हम नोट 1 डेवलप करेंगे। तो नोट 1 डेवलप करते हैं, और इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हुए हमें सबसे पहली जो फिगर जहां से हम स्टार्ट करते हैं वो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर क्वेश्चन में देखते हैं। ₹7,659 की ये फिगर गिवन है। इसके बाद हमें एडजस्टमेंट्स करनी है, तो एडजस्टमेंट्स में जो सबसे पहली टाइप ऑफ एडजस्टमेंट है
वो होती है नॉन कैश आइटम्स की, जिसमें ऑब्वियसली जो सबसे कॉमन है दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में खुद बताई हुई है। फाइव टू एट जीरो थाउजेंड, तो ये ऐड बैक कर देंगे। उसके बाद बैड डेट्स भी बताए हुए हैं, और सेम इंफॉर्मेशन बेस पर हम डाउटफुल डेट का जो एक्सपेंस कम होगा, क्योंकि डाउटफुल डेट की जो प्रोविजन है वो 550 से 400,000 की तरफ आ रही है, कम हो रही है, तो जो रिवर्सल ऑफ डाउटफुल डेट है वो भी हमें पता चल रहा है। तो बैड डेट और रिवर्सल ऑफ डाउटफुल डेट, तो बैड डेट की फिगर हमें 200,000 गिवन है, ये ऐड बैक कर देंगे। रिवर्सल ऑफ डाउटफुल डेट जो हैं वो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 400, 550 से 400 हो गया, तो 150 का जो है वो डिक्रीज है एक्सपेंस में, तो हम इसको लेस बैक करेंगे। इसके बाद जब हम नॉन कैश आइटम्स को एडजस्ट कर लेते हैं, तो फिर हमें वो आइटम्स लेने होते हैं जिनका ताल्लुक इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से होता है। टिपिकली इसमें मोस्ट कॉमन है गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, तो यहां पर एक डिस्पोजल हमें दिया हुआ है। कि 2481,000 का जो कैरिंग अमाउंट थी मशीनरी की, वो 3440,000 में सेल हुई है, तो इस पर गेन ऑन डिस्पोजल आ जाएगा। एक और डिस्पोजल भी है, लेकिन क्योंकि वो डिस्पोजल कैरिंग अमाउंट ऑफ 2599,000 पर है, तो इसमें कोई गेन या लॉस राइज नहीं होगा, तो सिर्फ हम इस ऊपर वाले मशीनरी के डिस्पोजल गेन और लॉस कैलकुलेट करने के। तो दैट वुड बी 959, क्योंकि गेन प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड हुआ हुआ होता है, तो इसको लेस बैक कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड एक इन्वेस्टमेंट इनकम का भी जिक्र है। थ्री नाइन्टी एट थाउजेंड, तो ये भी क्योंकि प्रॉफिट में इंक्लूडेड है, तो इसको एड लेस बैक कर देंगे। और नॉन कैश आइटम्स, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग से रिलेटेड आइटम के बाद हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस को एडजस्ट करना होता है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस की फिगर को देखते हैं। वन हंड्रेड, तो एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमने वर्किंग कैपिटल की चेंजेस लेनी है, और सबसे पहले उसमें इन्वेंट्रीज को देखेंगे। इन्वेंट्रीज 3073 से 4642 की हो रही हैं, तो इंक्रीज हो रहा है इन्वेंट्रीज में। वन फाइव सिक्स नाइन, फिर रिसीवेबल्स देखते हैं और ट्रेड रिसीवेबल को फोकस करेंगे, लेकिन यहाँ पे ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल कंबाइन करके हमें दिए हुए हैं 3865 और 2273। अब इसमें मजीद जो दो इश्यूज रेलिवेंट हैं, एक तो ये है कि हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड प्रोविजन भी है, और फिर जो इन्वेस्टमेंट इनकम है उससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट है कि एज एट 31 दिसंबर 2015 ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स इंक्लूडेड इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल अमाउंटिंग टू 96,000 और लास्ट ईयर में 80,000। सो इंफॉर्मेशन नंबर थ्री एंड फाइव की इम्प्लीकेशन हमें ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स के साथ लेनी है। तो इसको समझने के लिए ज्यादा बेहतर है कि जस्ट प्लस माइनस के बजाय हम एक वर्किंग बना लें। तो जो फिगर हमें ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स की गिवन है, दैट इज लास्ट ईयर में 3865 और करंट ईयर में 2273। इसमें से जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिसीवेबल है वो हम लेस कर देते हैं,
करंट ईयर में 96 का है और लास्ट ईयर में 80 का है। इसका मतलब है कि अगर उसको निकाल देते हैं तो बाकी हमारे पास जो रिसीवेबल बच जाएंगे वो होंगे 2177 एंड 3785, बट स्टिल ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे ये नेट वैल्यू होगी क्योंकि इसमें प्रोविजन लेस हुई हुई है। अगर प्रोविजन फॉर जो बैड डेट्स है या डाउटफुल डेट्स है उसको हम ऐड बैक कर दें, जो कि क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है कि करंट ईयर में 400 और लास्ट ईयर में 550 है, तो हमारे पास ग्रॉस ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाते हैं 2577 और 4335 के। तो जब हमारे पास रिसीवेबल्स की वैल्यू आ गई तो अब हम इसमें क्लियरली देख रहे हैं कि डिक्रीज है, और हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमने 200 के जो बैड डेट्स हैं वो एडजस्ट किए हैं, तो 200 के बैड डेट्स भी जो एडजस्ट हुए हैं उसको भी अगर इनकॉर्पोरेट करते हैं तो अगर वो राइट ऑफ ना हुआ होता तो हमारा बैलेंस 2577 प्लस 200 2777 होता और 4335 जो है ओपनिंग बैलेंस है। तो इट मीन्स के जो हमारे पास डिक्रीज है वो है 1558 से। तो ये रिसीवेबल को हमने अपने लेक्चर के अंदर भी कवर किया था कि आपने किस तरीके से बैड डेट्स को एडजस्ट करना है, तो इन केस ऑफ इशू आप उस लेक्चर को भी जो है दोबारा देख सकते हैं। अब रिसीवेबल्स के बाद नेक्स्ट इशू क्या है, तो कैश एट बैंक है इटसेल्फ करंट एसेट्स में, इसका तो मूवमेंट रिकन्सिलेशन के अंदर कवर होगा। करंट लाइबिलिटीज की साइड पर आएँ तो इनकम टैक्स पेबल, इनकम टैक्स पेड के लिए कैलकुलेट होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट इटसेल्फ कैश इक्विवेलेंट है, तो ट्रेड एंड अदर पेबल्स की फिगर को हम कंसीडर करेंगे, दैट इज 4953 एंड 3337। लेकिन इसके अंदर भी एक अमाउंट गिवन है कि वो इंक्लूडेड है ट्रेड एंड अदर पेबल में, और 2 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो ऊपर कैलकुलेट भी हुआ हुआ है कि वो अमाउंट है 100। तो ट्रेड एंड अदर पेबल की हम फिगर लेंगे लेकिन करंट ईयर की फिगर में 100 इंटरेस्ट का भी शामिल है, उसे निकाल कर लें। सो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, करंट ईयर की फिगर 3337 में से 100 का इंटरेस्ट एक्सक्लूड कर दिया और 4953 लास्ट ईयर की फिगर है, जिससे हमारे पास डिक्रीज की वैल्यू आ जाती है 1716। तो जब हमारी वर्किंग कैपिटल की चेंजेस भी इनकॉर्पोरेट हो गई तो हम सिंपली टोटल कर लेंगे, तो 1005 वो अमाउंट है जो हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस है, इसको हम अपनी मेन स्टेटमेंट के अंदर मेंशन कर देंगे। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में हमने इंटरेस्ट पेड और इनकम टैक्स पेड का एडजस्टमेंट लेनी होती है। अब इंटरेस्ट पेड तो क्वेश्चन में बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि 2 मंथ ही हुए हैं और वो सारे का सारा जो है एक्रूड है और उसको ट्रेड, तो इसका मतलब है कि पेमेंट तो कोई भी नहीं हुई, तो ऑल एक्यूड नथिंग पेड इट मीन जीरो का आएगा। अब टैक्स को देखते हैं, तो टैक्स से रिलेटेड हमें एक तो दिया हुआ है एक्सपेंस, दूसरा इसका जो पेबल है वो ओपनिंग 9 और क्लोजिंग 13। तो जिस तरह हमने लेक्चर में डिस्कस किए थे आपके साथ कि शॉर्टकट कैलकुलेशन करनी हो अक्रूअल प्रीपेमेंट की सिचुएशन में तो आप कैश पेड कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सपेंस प्लस ओपनिंग अक्रूअल माइनस क्लोजिंग अक्रूअल, तो वही हम फॉलो करेंगे। तो एक्सपेंस 1376 का, ओपनिंग अक्रूअल 994 का, क्लोजिंग अक्रूअल 1300 का, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1070। और यहाँ से हम टोटल कर लेते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कि दिस इज द नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके बाद हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को फोकस करना है, जिसके लिए हम फोकस करेंगे नॉन करंट एसेट्स पे और उसके अलावा अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हों। अच्छा, क्वेश्चन में कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इन्वेस्टमेंट्स हैं लॉन्ग टर्म में, तो पहले हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को फोकस करते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस नोट कर लेंगे, तो एक टी अकाउंट बनाते हैं और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस हम मेंशन कर देंगे 11845 एंड 19628।
अब देखते हैं कि मजीद हमारे पास क्वेश्चन में इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये सारा डाटा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड है, तो पहली बात ये बताई हुई है कि डेप्रिसिएशन 5280, तो इसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। दूसरे नंबर पे ये बताया हुआ है कि एक मशीनरी का डिस्पो है और उसकी कैरिंग अमाउंट 2481,000। फिर फैक्ट्री बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन हुई है फ्रॉम 5963,000 टू 8,000,000, तो जो डिफरेंस है वो हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस है, उतने से हमारा गेन ऑन रिवैल्यूएशन राइज होगा, जिससे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बढ़ जाएगा। तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन ले लेते हैं और कैलकुलेट करने के लिए 8,000 माइनस 5963, दैट वुड बी 2037। फिर इन्फॉर्मेशन है कि एन ऑफिस बिल्डिंग विच हैड प्रीवियसली बीन रिवैल्यूड, उसको कैरिंग अमाउंट पर सेल कर दिया 2599,000 पे, तो ये एक और डिस्पोजल रिकॉर्ड कर दी। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जब हमने सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली तो टोटल कर लेते हैं और एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगी जो हमने कैश में एडिशंस किए हैं 16106, तो इसको हम मेंशन कर देते हैं आउटफ्लो के तौर पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। लेकिन अब साथ ही हमें जो डिस्पोजल हुए हैं उनको भी कंसीडर करना है। तो मशीनरी जिसका डिस्पोजल हुआ है 3440,000 के सेल प्रोसीड्स भी हुई हैं। इसी तरीके से जो ऑफिस बिल्डिंग है वो सेल एट कैरिंग अमाउंट गेन और लॉस 2599,000। इसके बाद हमारे पास जो है वो इन्वेस्टमेंट भी है और इन्वेस्टमेंट में भी हम 7645 फ्रॉम 6498, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसमें भी आउटफ्लो होगा हमारा 1147 का। फिर इन्वेस्टमेंट इनकम भी है, उससे रिलेटेड रिसीवेबल भी दिया हुआ है, इनकम के लिए जब हम अप्रूवल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो अमाउंट रिसीव जो होती है वो इक्वल होती है इनकम प्लस ओपनिंग रिसीवेबल माइनस क्लोजिंग रिसीवेबल। तो 398 जो हमने इनकम बनाई, 80 जो ओपनिंग रिसीवेबल है, 96 जो क्लोजिंग रिसीवेबल है, इसकी बेस पर हमारे पास इनफ्लो आ जाएगा 382 का। तो नॉन करंट एसेट्स और जो इन्वेस्टमेंट इनकम थी जब उनको हम इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमारी फाइनलाइज हो जाती हैं। तो हम टोटल कर लेते हैं, तो 10832 का कैश यूज हुआ है इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो नेक्स्ट हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें हमारा फोकस जो होगा वो इक्विटी और बोरिंग्स पर होगा। तो कैपिटल को अगर हम देखें तो जबकि प्रॉफिट सेपरेट है, तो ये प्रॉफिट की वजह से इंक्रीज नहीं हो रहा, तो कैपिटल ए की वजह से फिर इंक्रीज हो सकता है। और ड्राइंग्स भी जो बताई हुई हैं वो ये बताई हुई हैं कि वो अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट को चार्ज की गई हैं। तो इट मीन्स के जो कैपिटल के अंदर इजाफा है वो एडिशनल जो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया बिजनेस में उसकी वजह से राइज हुआ। का ये इनफ्लो हो जाएगा। इसके बाद हमें ड्राइंग्स को देखना है जो क्वेश्चन में हमें बताई हुई थी। द ऑनर ऑफ क्यू विड्रू ₹300,000 पर मंथ, द अमाउंट वर डेबिटेड टू अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट। तो ड्राइंग हो या डिविडेंड हो वो एक ही बात है, सिर्फ बिजनेस स्टाइल का फर्क होता है कि कंपनीज में वर्ड डिविडेंड यूज होता है और
जो पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर्स हैं वहाँ पे ड्राइंग्स का वर्ड यूज होता है। तो 12 मंथ्स की कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो 3600 का आउटफ्लो। इसके बाद हम लोन को देख लेते हैं, तो लोन में 6000 हमें नज़र आ रहा जीरो से, तो ये लोन भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इनफ्लो होगा जब हम लोन रिसीव करते हैं। तो बोरिंग और इक्विटी दोनों को कंसीडर करने के बाद हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का टोटल आ जाता है 5916 का, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तीनों एक्टिविटीज जब हमारी कंप्लीट होती हैं तो 8935 का इनफ्लो है, ऑपरेटिंग से इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो है और फाइनेंसिंग में फिर इनफ्लो है। तो नेट अगर हम इनको करते हैं तो दैट वुड बी 4019, तो हम कहेंगे कि दैट इज नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगनिंग ऑफ द पीरियड लेने हैं, तो वो क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो लास्ट ईयर का डाटा ये बता रहा है कि कैश एट बैंक और ओवरड्राफ्ट 20। तो नेट अगर करते हैं तो 23 का नेगेटिव में थे कैश एंड कैश, टोटल करते हैं तो देयर शुड बी 3996 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड पॉजिटिव बैलेंस होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन के साथ मैच कर लेते हैं कि क्या जवाब 3996 ही आ रहा है। तो ये हमारा आंसर मैच हो रहा है और यहाँ पर हमारा सलूशन तो कंप्लीट हो गया। लेकिन एक इशू अक्सर जो फिर फिजिकल क्लासेस में स्टूडेंट्स पूछते हैं वो ये होता है कि रिवेल्यूशन सरप्लस मैच नहीं हो रहा या अनअप्रोप्रिएटेड। सो एडिशनली हम इस कॉन्सेप्ट को भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस है 6697, क्लोजिंग 10652, रिवेल्यूशन सरप्लस का 1911 और 2676। तो इन रिवेल्यूशन सरप्लस को और रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट को बनाकर देखते हैं। एक्चुअली इनमें कोई कैश फ्लो फर्दर हमें नहीं मिलेगा, लेकिन इनको बनाने से हमें एक कंप्लीटनेस का आइडिया हो जाएगा कि इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो रिवेल्यूशन सरप्लस का अकाउंट अगर बनाते हैं तो सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस लेना है और फिर क्लोजिंग बैलेंस लेना है जो क्वेश्चन में गिवन है। फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ये जो 2037 का हमारा अराइज हुआ था इंक्रीज, ये ऑब्वियसली इसके अंदर क्रेडिट होगा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट, रिवेल्यूशन सरप्लस क्रेडिट। इस बेसिस पर हम टोटल कर लेते हैं 3948 एंड 3948, क्योंकि एक ऐसा एसेट उन्होंने बताया हुआ है जो ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोज हुआ है और वो रिवेल्यूड एसेट था, तो इसका मतलब है कि वो उसकी वजह से रिवेल्यूशन सरप्लस ट्रांसफर हुआ होगा रिटेन अर्निंग में, दैट इज 1272। तो ये एज अ बैलेंसिंग फिगर हमने फाइंड आउट किया। और अब क्या ये ठीक है, इसकी वजह के लिए हम एक रिटेन अर्निंग की भी वर्किंग बना लेते हैं। तो रिटेन अर्निंग का जो ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 6697 और क्लोजिंग बैलेंस अभी हमने देखा था कि दैट इज 10652। अच्छा, अब इसमें प्रॉफिट की फिगर देखते हैं। प्रॉफिट की फिगर है 6283, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो रिटेन अर्निंग में ऐड होता है। फिर ये जो हमने ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग अभी कैलकुलेट किया, ये रिवेल्यूशन सरप्लस डेबिट हुआ तो रिटेन अर्निंग इसमें क्रेडिट होगी। ड्राइंग्स जो हैं वो रिटेन अर्निंग या अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट में शामिल की गई हैं, तो वो भी 3600 की हम मेंशन कर लेते हैं। और अब हम टोटल करते हैं तो 14252, तो रिटेन अर्निंग की मूवमेंट भी मैच कर रही है, इसमें फर्दर कोई मिसिंग फिगर नहीं है। और रिवेल्यूशन सरप्लस के अंदर भी जो डिफरेंस आ रहा है वो बेसिकली रिटेन अर्निंग की अमाउंट के साथ जो है हमारा मैच हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये जो दो अकाउंट्स हैं ये बनाने की ज़रूरत तो नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन कन्फ्यूजन अगर हो रही हो तो उसके लिए हमने ये एडिशनल अकाउंट आपके लिए दे दिए हैं। बाकी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का जो सोल्यूशन है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं। स्प्रिंग 2017 की अटैम्प्ट है और क्वेश्चन का टाइटल है लियाकत इंडस्ट्रीज। तो क्वेश्चन का डाटा है कि द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ लियाकत इंडस्ट्रीज एज एट 31 दिसंबर 2016 इज एज फॉलोज।
सो हमें इक्विटी और लाइबिलिटीज की साइड पर ऑनर का कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, अकाउंट्स पेबल, एक्यूड इंटरेस्ट, ये आइटम्स नज़र आ रहे हैं जो कि टिपिकल आइटम्स हैं। और एसेट साइड पर फ्री होल्ड लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, इक्विपमेंट और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है। और जो लैंड ऑब्वियसली क्योंकि डेप्रिशिएट नहीं होती तो रिटर्न डाउन वैल्यू का इशू नहीं है, बट जो बाकी सारे आइटम हैं उनके अंदर हमें रिटर्न डाउन वैल्यू गिवन है। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स भी हैं नॉन करंट एसेट्स में, और करंट एसेट टिपिकल हैं कि इन्वेंट्री, रिसीवेबल और कैश। मजीद डाटा क्या है? द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट, जिसमें हमें डेप्रिसिएशन, फाइनेंस कॉस्ट, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट नेट, यानी गेन और लॉस का नेट है ये, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है। उसके बाद एडिशनल फॉर्मेशन गिवन है, इट मीन्स के हमारे पास जो डाटा है उससे सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड पे ही स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाई जा सकती है। तो मजीद डाटा है कि जी डिटेल्स ऑफ गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आर एज फॉलोज। तो ये जो अमाउंट है इसका ब्रेकअप गिवन है। उसके बाद ये बताया हुआ है कि द लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट रिप्रेजेंट द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट, यानी जितनी रिटर्न डाउन वैल्यू थी उतने का ही लॉस हो गया, क्योंकि कुछ भी रिसीव नहीं हुआ होगा, मे बी जैसे लॉस बाय फायर हो गया, जैसे ये इसमें लिखा हुआ भी है ड्यू टू फायर। द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अमाउंटिंग टू ₹30,000 वॉज एरनेसली क्रेडिटेड टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो सही ट्रीटमेंट तो ये होती है कि जब इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल गया था जितनी अमाउंट का, उतने से आप अपने लॉस को कम कर देते, लेकिन गलती ये की कि उसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर दिया। और क्योंकि हमें एसेट रिटर्न डाउन वैल्यू पे दिए हुए हैं, तो एक किस्म का आप ये समझ लें कि एसेट्स को क्रेडिट कर दिया। सेकेंड पॉइंट ये है कि रिपेयर्स टू बिल्डिंग अमाउंटिंग टू ₹50,000 वॉज एरेनसली डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट ऑन 31 दिसंबर 2016, बिल्कुल ईयर एंड पर, यानी इसका डेप्रिसिएशन के ऊपर इस एरर का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। फिर है ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू बिल्डिंग अमाउंटेड टू 1.2 मिलियन, द ऑनर विदड्रू ₹150,000 per month। तो दो एरर भी हैं जिनको हमने डाटा के साथ कंसीडर करते हुए चलना है। और उसके बाद क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 इन अकॉर्डेंस विद IS-7 यूजिंग इनडायरेक्ट मैथड। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम आंसर डेवलप करेंगे, तो उसमें हम एंटिटी का नाम लिखते हैं लियाकत इंडस्ट्रीज, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 बना रहे हैं। तो वेरी फर्स्ट आइटम जो हमारा होगा वो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगा, और इसमें जो हमें फर्स्ट फिगर चाहिए वो चाहिए कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस की। उसके लिए हम एक नोट डेवलप कर लेंगे। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट भी है, डाटा भी इसी टाइप का है, तो उसको फॉलो करते हैं। हमारी स्टार्टिंग फिगर जो हमें चाहिए वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की चाहिए, क्वेश्चन में देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर गिवन है, लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इस फिगर में दो एरर्स भी हैं। एक 30,000 जिससे लॉस को कम करना चाहिए था, उसको गलती से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्रेडिट कर दिया, और रिपेयर्स को गलती से बिल्डिंग के एसेट में डेबिट कर दिया। तो इन दो एरर्स का इफेक्ट भी हमें इनकॉर्पोरेट करके फिर प्रॉफिट की फिगर लेनी चाहिए। तो एक वर्किंग बना लेंगे, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की करेक्टेड फिगर लेने के लिए एक वर्किंग डेवलप कर लेते हैं। तो जो प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है की फिगर है 1,525,948। उसके बाद जो इंश्योरेंस से हमें क्लेम मिला है उससे लॉस रिड्यूस हो जाएगा, तो इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट में ऐड कर देंगे इस अमाउंट को 30,000, और जो हमने रिपेयर एक्सपेंस गलती से बिल्डिंग अकाउंट में डाल दिया, जब उसको क्रैक करके एक्सपेंस बनाएंगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो बेसिकली जो प्रॉफिट पर नेट इफेक्ट है वो 20,000 का है, कि 20,000 से प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो हमारा जो रिवाइज प्रॉफिट होगा दैट वुड बी 1,505,948। तो इस फिगर को हम अपने इनडायरेक्ट मेथड के अंदर यूज करेंगे, और प्रॉफिट की फिगर के अंदर फिर हमने लेनी होती हैं एडजस्टमेंट। तो
तो एडजस्टमेंट्स में सबसे पहले हमने नॉन कैश आइटम्स को लेना है, तो नॉन कैश आइटम को लेने के लिए हमें डेप्रिसिएशन की फिगर जो है वो मोस्ट कॉमन है, तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन की फिगर लेते हैं। क्वेश्चन में ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट दी हुई है 932500, इसको हम ऐड बैक कर देंगे। उसके बाद हमें वो आइटम लेना है, इसके अंदर कहीं पे बैड डेट, डाउटफुल डेट वगैरह या इम्पेयरमेंट का जिक्र तो क्वेश्चन में नहीं है, तो गेन डिस्पोजल्स हैं जिन पे गेन भी है लॉस भी है, तो उसको कंसीडर करते हैं और उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो पहली चीज़, तो हमारे पास गेन ऑन सेल ऑफ फ्री होल्ड लैंड है 168960, तो इसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। और ये क्योंकि गेन प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड हुआ हुआ है, तो एडजस्टमेंट में इसको रिवर्स कर देंगे यानी लेस बैक करेंगे। इसके बाद ये जो लॉस है ये 70,000 का है, लेकिन 30,000 का इंश्योरेंस क्लेम जो है वो जब इसके साथ एडजस्ट होगा तो जो हमारा एक्चुअल लॉस है वो 40,000 बनता है, जो हमें ऐड बैक करना चाहिए। इसके बाद और कोई आइटम ऐसा क्वेश्चन में नहीं है जिसको हम एडजस्ट कर सकें, क्योंकि ट्रांसफ़र फ्रॉम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो दिया हुआ है वो नॉन करंट एसेट से रिलेट करता है, और ड्राइंग्स जो हैं वो फाइनेंसिंग में आ जाएंगी। सो नेक्स्ट हमें फाइनेंस कॉस्ट को ऐड बैक करना चाहिए ताकि उसका सेपरेट डिस्क्लोजर दे सकें, 141872। उसको भी ऐड बैक कर देंगे। जब हम सारी एडजस्टमेंट्स इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं तो फिर हमें वर्किंग कैपिटल की चेंजेस लेनी है। वर्किंग कैपिटल की चेंजेस में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को देखते हैं। तो हमारा फोकस जो है वो इन्वेंट्री पर होगा। इन्वेंट्री में हम देख रहे हैं कि बेसिकली इंक्रीज हुआ है, और उसके बाद रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स में भी इंक्रीज हुआ है। कैश को हम नहीं लेंगे क्योंकि कैश का तो इटसेल्फ स्टेटमेंट बन रही है, तो उसका तो फ्लो अलग से कैश इक्विवेलेंट के पोर्शन में आएगा। फिर अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं तो शॉर्ट टर्म लोन बोरिंग में आ जाएगा, अकाउंट्स पेबल का इम्पैक्ट लेंगे, इसमें डिक्रीज है, और एक्यूड इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट पेड की कैलकुलेशन में यूज़ होगा। तो ये तीन आइटम हैं, इन्वेंट्री, रिसीवेबल और पेबल, इनका हमने जो है चेंज को इफेक्ट करना है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल को, तो इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। सबसे पहले इन्वेंट्रीज में जो इंक्रीज़ है, फिगर्स हैं कि 320628 ओपनिंग था, क्लोजिंग 685608 था, जिससे हमारे पास फिगर आ जाती है 364980 का आउटफ्लो कंसीडर होगा। और रिसीवेबल में भी इंक्रीज है 595452 से 127372, एंड दैट वुड बी 677820 आउटफ्लो। पेबल्स में डिक्रीज है, तो पेबल में जो डिक्रीज हो रहा है वो हो रहा है 694320 से 417120, तो ये हमारे पास डिक्रीज जब पेबल में होता है तो वो भी आउटफ्लो कंसीडर होता है। हमने अगर पेबल्स को पेमेंट कर दिया तो तभी वो डिक्रीज हो रहे होते हैं, तो दैट्स आउटफ्लो। तो जब ये हमने वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी इनकॉर्पोरेट कर ली तो ये जो हमारे पास नोट वन की सारे आइटम्स हैं इनको टोटल कर लेंगे, तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस की, इसको हमने अपनी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर मेंशन कर देना है, 113136 0। नेक्स्ट आइटम, हमें जो दो आइटम लेने होते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद, वो हैं इंटरेस्ट पेड और इनकम टैक्स पेड। अब इंटरेस्ट का डाटा क्वेश्चन में गिवन है, जो प्रॉफिट और लॉस में अमाउंट चार्ज हुई है वो भी गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। तो एक तरीकेकार ये है कि आप इसका टी अकाउंट बनाकर फाइंड आउट कर लें फिगर। दूसरा जो हम शॉर्टकट बहुत तमाम क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हैं वो ये होता है कि आप प्रॉफिट और लॉस में जो एक्सपेंस चार्ज हुआ था उसके अंदर ओपनिंग अक्रूवल ऐड करते हैं, क्लोजिंग अक्रूवल लेस कर देते हैं, तो आपके पास इंटरेस्ट पेड की फिगर आ जाती है, दैट वुड बी 99632। इनकम टैक्स पेड क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं है इनकम टैक्स का, वैसे भी क्योंकि ये एक एंटिटी नहीं है तो सोल ट्रेडर का टैक्स जो है वो नहीं आता उसके कैश फ्लो के अंदर या उसके एक्सपेंसेस के अंदर, क्योंकि वो उसकी पर्सनल
उस पे टैक्स लग रहा होता है, बिजनेस के ऊपर नहीं लग रहा होता। तो इसको जीरो ले लेते हैं यहाँ पे। तो अब हमारे पास नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा जो कि 103,172.8 बनता है। नेक्स्ट हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लेना है और इसमें हमारा फोकस नॉन करंट एसेट्स और अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो कि नहीं है उन पर होता, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो अब सिर्फ नॉन करंट एसेट्स पर होगा। तो नॉन करंट एसेट्स को देखते हैं कि उसमें क्या क्या डाटा अवेलेबल है। एक तो ऑब्वियसली ये सारे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस हम अपने सामने रखेंगे अभी वर्किंग्स बनाते हुए। और इनको कंसीडर करेंगे। फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, रेलिवेंट फिगर्स जो रेलिवेंट यानी हमें कंसीडर करनी है, डेप्रिसिएशन 932,500 की, और उसके बाद गेन और लॉस वगैरह दिया हुआ है, और फिर ये जो एरर्स हैं ये भी जो है बेसिकली प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के आइटम्स रिलेटेड हैं, कि ये चीज़ एसेट्स में क्रेडिट हो गई थी 30,000 और 50,000 गलती से डेबिट हो गए थे बिल्डिंग में। अब एक बात और जो आपने जहन में रखनी है कि जो आपकी डेप्रिसिएशन है वो सिर्फ इन तीन आइटम से रिलेट करती है, बिल्डिंग व्हीकल और इक्विपमेंट, ना फ्री होल्ड लैंड पर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है और ना ही कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है क्योंकि वो अभी तक अवेलेबल फॉर यूज़ नहीं होता। सो क्वेश्चन में बिल्डिंग व्हीकल और इक्विपमेंट का अलग अलग डाटा सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस की हद तक दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन सेपरेट नहीं दी हुई, तो इस वजह से इनका अकाउंट हमें कंबाइन बनाना पड़ जाएगा। बाकी लैंड और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस उनको हम सेपरेटली कंसिडर कर सकते हैं। तो उसको जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेज हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमें इनसे क्या क्या फिगर फाइंड आउट हो रही है। तो सबसे पहले टी अकाउंट बना लेते हैं लैंड का, फिर हम क्योंकि डेप्रिसिएशन कंबाइन दी हुई है बिल्डिंग व्हीकल और इक्विपमेंट की तो उसका टी अकाउंट बना लेते हैं, और एक टी अकाउंट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का बना लेते हैं। लैंड का ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 6.6 मिलियन, फिर बिल्डिंग का दिया हुआ है 417,1200, व्हीकल का दिया हुआ है 800,000 और इक्विपमेंट का दिया हुआ है 2,112,000। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग दिया हुआ है 182,1600। तो सारे जब हमने ओपनिंग बैलेंसेज इनकॉर्पोरेट कर लिए तो नेक्स्ट अब हम क्लोजिंग बैलेंसेज इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो लैंड का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 477,8400। अच्छा, अब इसमें जो बिल्डिंग का गिवन है हमें उसमें थोड़ी सी एक एरर भी है तो उसकी एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। तो बिल्डिंग का देखते हैं कि बैलेंस जो गिवन है वो है 505,760, लेकिन इसके अंदर फिफ्टी थाउजेंड एरनसली डेबिट हुए हैं। तो सही बैलेंस निकालने के लिए हम इसको रिपेयर वाली अमाउंट को लेस कर देंगे तो हमारे पास फिगर आ जाएगी 507,600। नेक्स्ट हमारे पास व्हीकल्स हैं, तो व्हीकल्स का बैलेंस 600,000 गिवन है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हम ले लेते हैं, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इक्विपमेंट के अंदर भी एरर का इशू है तो इक्विपमेंट की फिगर जो है उसको देखते हैं। इक्विपमेंट की फिगर गिवन है क्लोजिंग 164,310, लेकिन इक्विपमेंट के अकाउंट में 30,000 इनकरेक्टली क्रेडिट हुआ है। तो अगर ये क्रेडिट ना हुए हुए होते तो ऑब्वियसली जो बैलेंस है वो ज़्यादा शो होता। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन में बेशक क्रेडिट हुए हैं तो उससे क्या हो रहा है कि रिटर्न डाउन वैल्यू एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन गलती से ज़्यादा बढ़ गई, जिससे रिटर्न डाउन वैल्यू गलती से कम शो हो रही है, तो उसे अब ज़्यादा बढ़ाकर शो करना है 30,000 से। तो ये अमाउंट बन जाएगी 167,310। अब हमारे पास जो फिगर्स मजीद हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो वन आइटम इज डेप्रिसिएशन 932,500, उसके बाद डिस्पोजल की बात है तो लैंड का डिस्पोजल हुआ है
लैंड में डेप्रिसिएशन तो चार्ज नहीं होती, और हमें नज़र भी आ रहा है कि लैंड की वैल्यू कम हो रही है, तो किसी एडिशन का जिक्र नहीं है, तो लैंड की वैल्यू में जितनी भी कमी हो रही है उसको फिर डिस्पोजल कंसीडर करेंगे, तो डिस्पोजल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए हमें टोटल करना पड़ेगा और एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास डिस्पोजल की वैल्यू आ जाएगी। फिर डिस्पोजल इक्विपमेंट का है, और इक्विपमेंट के बारे में ये बताया हुआ है कि द लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट रिप्रेजेंट द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट, यानी जो 70,000 है ये उस इक्विपमेंट की रिटर्न डाउन वैल्यू भी इतनी ही थी क्योंकि लॉस बाय फायर हुआ है। तो डिस्पोजल जो है वो बुक वैल्यू पर भी 70,000 का है इक्विपमेंट का। ये सब फिगर्स हमने इनकॉर्पोरेट कर ली। अच्छा, क्लोज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग भी ले लेते हैं, दैट इज 147,840। फर्दर क्वेश्चन में हमें एक आइटम ये बताया हुआ है कि ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू बिल्डिंग अमाउंटेड टू 1.2 मिलियन, यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से ट्रांसफर आउट हुआ टूवर्ड्स बिल्डिंग और बिल्डिंग के अकाउंट में ऐड हो जाएगा 1.2 मिलियन। अब अगर हम टोटल करते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अकाउंट का, 2,678,400, तो एज अ बैलेंसिंग फिगर जो कैश एक्सपेंडिचर हमने किया होगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पर वो हमें मिल जाएगा 856,800। दूसरी तरफ हम जो बिल्डिंग व्हीकल और इक्विपमेंट अकाउंट का टोटल करते हैं तो वो 8,283,200 आ रहा है, और दूसरी साइड पर भी ये सेम आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इस अकाउंट को बनाकर हमें कोई फिगर नहीं मिली, लेकिन हमें ये श्योर हो गया कि इसके अंदर कोई ऐसा कैश फ्लो इन्वॉल्व नहीं है जो हमें इनकॉर्पोरेट करना हो, और ना ही कोई ऐसी फिगर है जो मिसिंग है जो हमारी फिर कहीं और यूज़ होती। तो हमें एक तो जो फिगर्स मिली हैं सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा एक्सपेंडिचर क्या हुआ है, 856,800 का एक्सपेंडिचर हुआ है जो कैश में हुआ है, तो इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में शो करेंगे। एट फाइव सिक्स एट डबल ज़ीरो। नेक्स्ट हमें लैंड का डिस्पोजल है, तो लैंड के डिस्पोजल में गेन हमें यहाँ बताया हुआ है 168,960, और बुक वैल्यू हमारे पास वर्किंग टू में कैलकुलेट हुई। बेस्ड ऑन दिस हम सेल प्रोसीड्स ऑफ लैंड डिस्पोजल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बुक वैल्यू प्लस गेन वो अमाउंट होगी जो हमें कैश रिसीव हुआ है, दैट इज 1,990,560। इसी तरीके से हमें इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है इक्विपमेंट के लॉस पर जो कि क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 30,000 है। ये भी एक इनफ्लो के तौर पर शो करेंगे। और अब नॉन करंट एसेट्स में बाकी अगर कोई आइटम देखते हैं तो एक लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स हैं, इनमें इंक्रीज आ रहा है तो ये भी एक आउटफ्लो होगा। वन थ्री टू थाउजेंड का इंक्रीज है। तो नॉन करंट एसेट्स को हमने ऑल टुगेदर फुली कवर कर लिया है, तो हमारी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कंप्लीट हो गई हैं, और इसका टोटल बनता है 1,031,760 इनफ्लो, क्योंकि हमारे जो डिस्पोजल्स की वैल्यू हैं वो ज़्यादा हैं और कैश एक्सपेंडिचर्स कम हैं। नेक्स्ट हमें जो है ये हमारा कैश यूज्ड कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गया। नेक्स्ट हमें कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाना। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए हमें इक्विटी और बॉरिंग को देखना होता है, तो सबसे पहला आइटम जो हमें नज़र आ रहा है वो ऑनर का कैपिटल है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, सो इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। अब क्लोजिंग बैलेंस में ये इशू है
कि जिस तरह हमने कैलकुलेट किया था कि प्रॉफिट में 20,000 की कमी होनी है, तो ऑनर के कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हुआ हुआ होता है। तो जब आप अब क्लोजिंग बैलेंस है वो भी 20,000 से ज़्यादा हुआ हुआ है, तो उसको कम करके शो हमें करना चाहिए अगर हम प्रॉपर एडजस्टमेंट शो करते हैं। तो दैट वुड बी 1391806 0। प्रॉफिट की भी हमें करेक्टेड फिगर लेनी चाहिए, तो ये हमने कैलकुलेट की थी 1505948, ये वैल्यू ले लेंगे हम वर्किंग वन से। इसके बाद क्वेश्चन में हमें ड्राइंग्स दी हुई हैं, तो ड्राइंग्स को हम आउटफ्लो के तौर पे भी रिकॉर्ड करेंगे, और जो टी अकाउंट हम बना रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट के अंदर भी इनका इफेक्ट आता है, तो वहाँ पे भी हम इसे लिख लेते हैं। तो 150,000 है पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट वुड बी 1.8 मिलियन। सो बेस्ड ऑन दिस हम अगर टोटल करते हैं 1571806 0, राइट साइड टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें वो अमाउंट पता चल जाएगी जो कैश ऑनर ने मजीद इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, 546832। तो कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ऑनर हम वर्किंग फाइव की बेस पर इनफ्लो लिखेंगे 546832। इसके बाद हमने अभी ड्राइंग्स भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, वो हमारा आउटफ्लो है 12 मंथ्स के हिसाब से 1.8 मिलियन। और अब लोन्स को देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म लोन के अंदर तो कोई चेंज नहीं आ रहा, ये सेम है। जो शॉर्ट टर्म लोन है, क्योंकि बोरिंग्स चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, वो फाइनेंसिंग में कवर होती हैं, तो जो शॉर्ट टर्म लोन है उसमें डिक्रीज है 200,000 का, तो इसको इसका मतलब है कि इसकी रीपेमेंट हो गई है, तो इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। और अब हम टोटल कर लेते हैं, तो इसमें कैश यूज्ड इन है फाइनेंसिंग एक्टिविटी 1453168, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का नेट कर लेते हैं 610320, ये हमारा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। इसके अंदर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग को इंक्लूड करेंगे, दैट इज 84480। तो हमारे पास टोटल 694800 आता है, दैट शुड बी 84800 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड। तो मैच कर लेते हैं, तो ये हमारा मैच हो गया आंसर इसके साथ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।